पहले आप जड़ पढ़, हाँ बोलिए, जड़ और दूसरा हम लोग पत्ती को पढ़ लिए थे और अच्छा खासा आप याद भी कर चुके थे, उसके बाद आप फल को भी याद कर लिए थे। फल जो याद रखिएगा, फल जो होता है कल के हिसाब से आप दो तीन प्रकार के पढ़े थे, पहला था सत्य फल, दूसरा असत्य फल, तीसरा और निषेचन फल, है ना, जिसका अंदर निषेचन होता नहीं है, मतलब उल्टा हो जाता है उसमें, तो वो निषेचन फल होता है, समझे बात को। तो उसी प्रकार याद किया, फल को आप अलग अलग के हिसाब से अलग अलग भागों में पढ़े थे। पहला जानते क्या पढ़े थे, समूह फल, अगर एक फूल से अगर एक फल होने लगे, दूसरा ये था कि एक फूल से अनेकों फल होने लगे, ना समझे, तो ये उसको संयुक्त फल कहेंगे। उसी प्रकार या एक के फूल उसमें अंडाशय भी हो जाए, पुष्पासन भी हो जाए, उसको संग्रहित फल बोल देंगे, है ना। बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पढ़िए, बिल्कुल आप लोग कर रहे हैं, आपको हमने पहचानने लगे, हम नहीं पहचानते हैं, पहचानते हैं ना जी, इतना इतना टेस्ट लिए आप लोग का मुंह से जो आवाज निकलता है आप नहीं पहचानते कहाँ से आवाज आ रहा है, हैं? तो बिल्कुल अब टेंशन नहीं लेना, खाली थोड़ा सा इसमें ऐसा कोई विद्यार्थी है 10-15 तो थोड़ा सा देखते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बाद में सब देखेंगे स्टार्ट मार दिया है ना, अब तो सब घुमाना। जनरेटर तभी स्टार्ट होता है जब पूरा प्रेशर लगाते हैं, तब इलेक्ट्रिक तभी पैदा होता है जब पूरा खतरनाक स्पीड से घुमाइएगा, तब थोड़ा सा आप घुमा दिए हैं आप लोग, अब जैसा और घुमा देना है, एक बार घुमाइएगा बिल्कुल हो जाएगा। आज जो लोग कहा था कुछ नहीं होगा, सीधे भैया थमा देना है उसको, ना समझे, वो तो अगड़ी। चलिए याद रखिएगा, तो जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, फल हो गया, फल को समूह संग्रहित, ये सब याद कर चुके थे आप लोग। फूल को भी याद कर लिए थे कि पुमंग हिस्सा कौन होता है, जयांग हिस्सा कौन होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, परागण क्या होता है, निषेचन क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, परपरागण कौन सी होता है, ये सब सारी बातों को आप देख लिए थे। थोड़ा सा अगर बच गया था तो रह गया था, तो क्या वो अगर एक लाइन सिर्फ देख लीजिए, आगे कुछ और पढ़ेंगे। अगला थोड़ा सा रह गया था बीज, याद रखिए बीज जो होता है ना ये अंकुरण वाले हिस्से से होता है, अंकुरण, जब तक किसी चीज का अंकुरण नहीं होगा वो बीज का पैदा होना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा टॉपिक ही है, किसी भी चीज का लास्ट टॉपिक अगर पढ़ेंगे ना तो ऐसा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ाते हैं परीक्षा में प्राचीन इतिहास, आपको शुरुआती में सिंधु घाटी सभ्यता बड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछेगा, एकदम सॉरी याद कर लीजिएगा, जैन धर्म बौद्ध धर्म एकदम बहुत तगड़ा है, प्राग ऐतिहासिक काल के दौरान कितना कितना चीज मिला है, बढ़िया से देख लीजिएगा उसको, है ना। लेकिन मौर्य को और मगध को तो छोड़ना ही नहीं है, है ना, कुछ भी इधर उधर हो जाए लेकिन मगध से क्वेश्चन तो भैया पक्का पूछेगा, क्योंकि मगध में ही बिहार है पूरा पूछेगा। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ये पूछेगा, सबसे पहले गणतंत्र की व्यवस्था कहाँ की गई थी, गणतंत्र कहाँ था, तो पहले इंडिया में आया था, इतना बड़ा विश्व में पहले गणतंत्र इंडिया में था, और इंडिया में पहले बिहार में था, अब बिहार में पहले वैशाली में था, अब वैशाली के बाद लिच्छवी में था, न समझे, ये इतना संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा, ये बिहार तक जाना होगा, तो प्राचीन इतिहास बिहार के संदर्भ में आता है, तो वहां अगर पढ़ोगे बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे आपको पढ़ा जाएगा यूरोपीय कंपनी, तो पटना में कौन कंपनी कहाँ कहाँ से खोली, तो उसको देख लेंगे, है ना। तो ये सब तभी होगा जब आप पहले इस सब चीज को खत्म कर देंगे तब, है ना, जरूरी होगा। अब ऐसे पते नहीं कि असहयोग में कौन सी हुआ था, अब बिहार का असहयोग पढ़ोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, समझे बात को, दौड़ कर लीजिए। आइए हम बात करते हैं, अब आदमी हमारा तो साइंस है कुछ बोलिए नहीं सकते, समझे। चलिए याद रखिएगा, बीज जो होता है अंकुरण को होना बहुत अति आवश्यक है। सबसे पहला सेक्शन आपको हम यही बता दिए थे, सबसे पहले था क्या था कि जब किसी बीज का अंकुरण होता है ना, पहले उसको थोड़ा सा ताप चाहिए, उसके बाद या थोड़ा नमी चाहिए, नमी चाहिए। आप देखते हैं कि जब चना का जो अंकुरण होता है, चना का जो अंकुरण होता है, अगर आपको लगता है कि बीज में थोड़ा सा अंकुरण हो जाए, उसके लिए आपको किसी कपड़ा में बांधकर नमी देना पड़ता था। उसका मतलब ये नहीं कि कपड़ा में उसको बांध दिए कोने का डब्बा में रख दीजिएगा, नहीं, उसको हल्का फल्का ताप भी मिलते रहना चाहिए। इसका मतलब याद कि किसी के बीज के अंकुरण में भैया ताप भी चाहिए और नमी भी चाहिए। उसी प्रकार याद क्या, आर्द्रता भी चाहिए। अगर ये तीनों मिल जाता है ना, बीज का अंकुरण होना बहुत जरूरी है। जब बीज का जब अंकुरण होने लगता है ना, तो इससे दो भागे बनती है। पहला ये होता है कि पहला ऊपर अगर चल गया तो पहला हो गया परंकुर, और दिशा नीचे अगर चल गया ये हो गया मूलांकुर। ये बन जाता है जड़, ये बन जाता है तना, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बीज का हिस्सा होता है, लेकिन बिल्कुल आपको हम बता देते हैं कि जड़ तना पत्ती फूल को एक बार देख के जाइएगा एग्जाम में, बिल्कुल यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आता है, और कभी आता भी है पूरा अच्छा से भी आता है। ये परपरागण तो बहुत बार आता है कि एक घटना से दूसरे घटना में पुवांग से अगर जन्म तक जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। ये बात को घटना को याद रखिएगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा जो कल आप याद करके सुना दिए थे वही चीज को आप थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, नया टॉपिक है थोड़ा सा, जिसका नाम है पादप उत्तक। इसमें अगर कोई नए लोग देखते हैं, अगर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप पीछे चल रहे हैं, और आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कौन आता है कौन नहीं जाता है उससे कोई मतलब नहीं है, आप हर हमेशा किसी न किसी को पीछे छोड़ रहे हैं, है ना।
बहुत पीछे छोड़ रहे हैं आप, बिल्कुल आपको यही करना है कि मनाना है कि जब परीक्षा में परीक्षा देने के लिए जाए तो बीच और गायब हो जाए, बढ़िया तो रहेगा ना समझे, उधर ढेरी झरिया पड़ जाए, हम सेंटर पर पहुंचे तो और कुछ, आप पहले पहुंच जाए उसको झरिया पड़ जाए, आप परीक्षा दीजिए। 2013 के चेन्नई बोर्ड धर दिए। यह दो प्रकार का होता है, पहला होता है वो पहला होता है वो अस्थाई, और दूसरा होता है अस्थाई। अब भैया जो अस्थाई होता है वो हिलता दुलता कुछ नहीं है, एकदम रह जाएगा। और अस्थाई को कल आप लोग बायोलॉजी के भाषा में क्या याद किए थे, विभोज्य उत्तक, यही याद किए थे ना, यही याद किए थे विभोज्य उत्तक, अच्छा खासा याद किया। विभोज्य उत्तक जानते ना, ये अस्थाई है मतलब भैया ये पक्का टूटेगा, अच्छा टूटेगा भैया पक्का कुछ होगा, तो याद विभोज्य उत्तक जो होता है ना ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है शीर्ष विभोज्य, पहला होता है शीर्ष विभोज्य उत्तक, अगला होता है पार्श्व, पार्श्व, और तीसरा होता है अंतर्वेशी, तीसरा होता है अंतर्वेशी। अब तीनों को समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा, अगर हम देख लीजिएगा ये हो गया धरती, इसके ऊपर जो घास जा रहा है ये पौधा हम लोग का हो गया, पौधा में बिल्कुल जड़ तना बिल्कुल होना अति आवश्यक है, ये जड़ तना होना बिल्कुल आवश्यक है। कुछ दिन में पौधा थोड़ा सा रहता है, लेकिन याद क्या, जब एक सप्ताह जब दो सप्ताह हो जाता है ना तो पत्ती नया नया खिलना स्टार्टिंग हो जाते हैं, इसका मतलब वो पौधा लग चुका है, उनके जो रेसे है ना वो रेसे जिसको हम लोग मतलब रूट हेयर बोलते थे वो पकड़ चुका है जमीन को। उसके बाद याद है जब पकड़ लेता है ना इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो जिसका शीर्ष थोड़ा सा बढ़ जाता है ना तो उसमें शीर्ष उत्तक होता है। नारियल का गाछ, खजूर का गाछ एकदम सॉलिड निकलता है, सुपारी का देखे हैं तो और खतरनाक है, एकदम बहुत पतला रहता है सीधे घिस देता है ना, इसका मतलब याद कि अगर हो सके आपसे ये पूछे कि शीर्ष मतलब जानते नारियल के पौधे में या खजूर के पौधे में कौन सा उत्तक होता है, भैया शीर्ष उत्तक होता है। अगला होता है पार्श्व उत्तक, जो पार्श्व उत्तक होता है देख लीजिएगा, पहला गाछ एकदम बुच्ची का एकदम ऐसे रहता है एकदम बहुत पतला दुबला, लेकिन जब कुछ दिन हो जाता है ना भैया इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसकी मोटाई थोड़ा सा बढ़ जाए, यहाँ हम लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं, और जिसकी मोटाई के बारे में बढ़ जाता है ना तो याद रखिए ये पंछी होता है पार्श्व उत्तक होता है, समझे बात को। लेकिन याद रखिए अगला बात करते हैं अंतर्वेशी उत्तक क्या होता है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा ये क्या है। अब बहुत बढ़िया से घास को देखेंगे, ये घास है, घास ऐसा ही होता है, और घास का इजलता वाला हिस्सा नीचे होता है, घास कत्तो यहां से काट दीजिएगा ना, लेकिन याद किया कुछ दिन के बाद क्या करता है दोबारा घास आ जाता है, जब तक कि इसको काट के अलग नहीं कर दीजिएगा, है ना। तो याद रखिए वैसा चीज जो जमीनी से सटा हुआ रहता है लेकिन जमीन से बाहर भी आता है, उसकी लंबाई कद छोटा होता है, उसमें अंतर्वेशी उत्तक होता है, समझे बात को। इसका मतलब घास में भूसा में कौन सी होता होगा अंतर्वेशी उत्तक, तो कोई विद्यार्थी हमको बता सकते हैं क्या कि सबसे बड़ा घास कौन होता है, हाँ सबसे बड़ा घास होता है बांस, ना समझे, बांस जो है ना भैया ये क्या है घास का एग्जांपल है, जानते ना सबसे लंबाई में वृद्धि होने में सबसे आगे यही है ना समझे, क्योंकि यार जब जब बांस का गाछ देखे छुटका रहता है ना खाली हरी पत्ती ही रहता है, खाली हरी पत्ती है ना, तो बिल्कुल ऐसा होता है, तो अंतर्वेशी इसका एग्जांपल हो गया। तो ये बात को याद रखिएगा, इसका मतलब शीर्ष हो गया, पार्श्व हो गया, अंतर्वेशी हो गया, इस विभोज्य उत्तक में बहुत बढ़िया देख लिया। अगला देखिए तो ये जो अस्थाई उत्तक था ना भैया ये भी दो प्रकार का था, पहला कौन था, पहला था सरल, दूसरा जटिल, मतलब जटिल का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स, ये हो गया सिंपल, है ना जी। आप बताइए सरल उत्तक बताइए कितने प्रकार का था, भैया ये तीन प्रकार का था, समझे बात को। पहला था कौन, मृदु उत्तक, मृदु उत्तक इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरेन्काइमा, क्या कहते हैं इसको, और आपको बता दिया ना कि आपका बायोलॉजी इंग्लिश पूछेगा, है ना, एकदम ऐसे अंग्रेजियों में है ना मतलब ऐसे लिख देगा, और बायोलॉजी थोड़ा सा नाटक करता है बहुत बीपीएससी में, इसलिए आपको बताते हैं ना कि सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ने का यही रीजन है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री को दोबारा खत्म कर कर हम सबसे अधिक ध्यान बायोलॉजी के ऊपर देंगे। जो विद्यार्थी का तकरीबन 11-12 क्वेश्चन में से अगर 7-8 क्वेश्चन अगर बायोलॉजी का बन गया तो समझ लीजिए भैया आगे है, 8 क्वेश्चन कम से कम बना के लाना है, 11 क्वेश्चन रहेगा तकरीबन, फिजिक्स से 8 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन रहेगा, समझे बात को, केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, और पहला 4 क्वेश्चन में से एक नंबर भैया वही से उसी से परमाणु संख्या से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब बीपीएससी का फेवरेट है वो निकालने के लिए, क्या बोलते हैं इसको, समस्थानिक संभारिक सम्यूट्रिक, पक्का खूब पूछा गया है ना, और आजकल तो बिहार में देख लीजिए सारा एग्जाम बीपीएससी करवा रही है,
इसका मतलब खाली प्रीवियस ईयर आप देखते रहिए, अगर आपके पास देखने का टाइम नहीं है तो हम देखवाएंगे आपको। खाली हम सिलेबस पहले आगे ले जाना चाहते हैं, जब तक सिलेबस नहीं आगे ले जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। खाली सेट मारने से, खाली ए बी सी डी रंगने से, ऐसे कर देने से याद नहीं होता है ना, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। जब मेरे पास समय बचे तो वो बेहतर करेंगे, है ना, तो टेंशन बिल्कुल इस बात का नहीं लेना। अगला जो पहला होता है मृदु ऊतक, दूसरा कौन सा होता है स्थूल ऊतक। स्थूल ऊतक इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा कहते हैं इसको, कोलेनकाइमा। अगला कौन सा होता है ड्रेड ऊतक, कौन सा होता है ड्रेड ऊतक रखना, इसको क्या कहते हैं एस्केलेनकाइमा। देखिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, ये सब चीजें ऐसी है जो मार्केट में आपको थोड़ा सा एक नंबर लेके चल जाना है ना, बिल्कुल नौकरी होना या रिजल्ट होना या नहीं होना से एक नंबर का फर्क है बिल्कुल। बाद में कि आप 5-10 नंबर से पीछे रह गए, इसका मतलब हर चीज करने के बाद आप छोड़ दिए। और जो विद्यार्थी बॉर्डर के पास रह गया ना, उस दिन पछतावा लगेगा कि एक क्वेश्चन सही करते थे तो मजा आ जाता, लिस्ट में नाम आना था मेरा, और लिस्ट में नाम आ जाएगा तो कोई दिक्कत ही ना होगा, है ना। खाली भैया कंप्यूटर पे नाम चढ़ाना है, और अभी तक जो आपका चढ़ा है ना, जानते हैं वो रेखा पार करने वाला चढ़ा है। आप लोग में क्या है, खाली पासिंग था जी उस समय सीटेट में, लेकिन अब सीटेट में पासिंग था तो अब यो आप ध्यान दीजिएगा। अब हमको ये समझना कि पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा क्या है। अंग्रेजी का तो खतरनाक लगता है ना, अगर चार तो उधर जीवाणु विषाणु का नाम, खाली दर्शक खाली कुछ बोल दिया बीच में जाके, बोला कत्ता जानता है ये ना, बोलेगा पूरा बोलेगा आप लोग को। अगर बीच में कदम घुस गए और चार लोग खाली ये सब बोल दीजिएगा ना, बोलेगा अरे बोले तो बाहर से पढ़ के आया है ना। आइए अब ध्यान दीजिएगा कि मृदु ऊतक किसे कहते हैं। अब भैया ये बताइए, ये हो गया पेड़ पौधा, आम का पौधा है, ये आम का पौधा है। अब देख लीजिएगा आम के पौधा के ऊपर, कोनो पौधा के ऊपर देख लीजिएगा भैया, इसके ऊपर छाल तो रहता है ना भैया, ये पौधा को सुरक्षा प्रदान करता है। तो पेड़ के ऊपर जो छाल है ना मोटी मोटी, तो याद रखिए उसी को कहते हैं मृदु ऊतक, समझे बात को। इसका मतलब जो कमजोर पौधा है उसमें भी छाल नहीं आया होगा, इसका मतलब देख लीजिए हो सके वो गिर जाता है। ये जब आंधी आता है ना तो भैया खतरनाक हो जाता है, आंधी से खतरनाक क्वेश्चन आया भैया, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आंधी के समय पेड़ों का हिलना, लेकिन उसके बावजूद फिर भी नहीं टूटना, किस ऊतक के वजह से होता है। शीर्ष ऊतक, क्योंकि यार लंबाई हो गया, लंबाई में लचीलापन हो रहा है, शीर्ष ऊतक, समझे बात को। तो यही है प्रीवियस ईयर, बाद में आपको बता दिया कि सारा क्वेश्चन एकदम बीपीएससी का जमा करके रखते हैं, है ना, सारा करवाएंगे आपको, लेकिन हम सिर्फ प्रीवियस ईयर करवाएंगे, है ना। और जिस विद्यार्थी को प्रीवियस ईयर पे पकड़ नहीं है, परीक्षा पास नहीं कर पाएगा, लिख लीजिएगा किधर, समझे बात को। प्रीवियस ईयर पकड़ होना चाहिए कि बीपीएससी का लैंग्वेज पूछा है तो क्या पूछा है, बिल्कुल आपको बताए ना। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तना और जड़ में क्या अंतर है, असल यहाँ रूट और ये मूलांकुर प्रांकुर कर रहा है, और नोट और इंटरनोट दिया था ऑप्शन नंबर डी पे, है ना, इसलिए थोड़ा सा देखोगे, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, तो पेड़ पौधे के जो छाल होते हैं, जो पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है, वो पंछी होता है मृदु ऊतक, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरेनकाइमा, ठीक है। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है स्थूल ऊतक, ये लिखा हुआ है कोलेनकाइमा। तो थोड़ा सा याद कर लीजिए आप, हमको जो आपको चीज ये पढ़ा रहे थे, ये देखिए, ये किसी में पेड़ पौधा का छाल हो गया, यहां से पत्ती निकलते हैं, यहां से पत्ती निकलते हैं, तो याद किया ये हिस्सा तो सबको नोटिस किए होंगे ना, जब गाछ को देखे होंगे तो याद किया, जहां से पेड़ पौधे में जो पत्ती निकलती है ना, तो याद किया पत्ती निकलने जहां से निकलती ना भैया, इसी को कहते हैं स्थूल पौध, कोलेनकाइमा। और याद रखिएगा, आपको बहुत बढ़िया से पढ़ा दिया है कि पत्ती के इस भाग को क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं, मतलब किसी भी पेड़ पौधे के वृंत को, वृंत जो है किस ऊतक से बना होता है, स्थूल कौन से बना होता है, समझे बात को। ये ऐसा ही टॉपिक है, इतना सा कर पा रहे थे, हमको लगता है कि बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं, इस सब टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो पाता है, है ना। अब जो बातें बिल्कुल सीधा बताने वाला ही, इसमें क्या हम अपना 100% देंगे आपको, है ना। 100% तो भैया किसी थ्योरी में दिखता है, कि आप उसको बताइए कि कोशिका तब है तो फिर और क्या है, उसको बताइए लाइट है तो और क्या है, साउंड बताइए क्या है, आवर्त सारणी बताइए क्या है, क्वेश्चन बनना चाहिए उसे, है ना। चलिए अगला है ड्रेड ऊतक, यही आपको बनना है, समय कितना खराब हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए भैया, अंदर से दृढ़ संकल्प होना चाहिए, पूरा संकल्प होगा तो भैया होगा, मतलब कि किसी प्रकार का देख लीजिएगा, कितनो आंधी तूफान आ जाए पेड़ पौधे के हरे पत्ते नहीं टूटते, है ना, सिर्फ सूखे हुए पत्ते गिरते हैं,
इसका मतलब ये बताइए तो, थोड़ा सा यहाँ दिया जाए, वो गिर जाता है जबरदस्ती को, हाँ गिरता ना इधर देखो। अरे एक आध दुखो क्या खोजिएगा, नहीं है ना भाजी, अब पूरा कमजोर का गाछ है तो गिर गया था। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी पेड़ पौधे के टहनी को या उसके बाहरी आवरण को जो पूरा ड्रीड करता है, पकड़ के रखता है, जो मजबूती प्रदान करता है ना, तो मजबूती प्रदान जो करता है वो ड्रीड उत्तक करता है। भैया इच्छोल में एक अक्के लग में खत्म है, दोबारा रिवाइज करके हम खाली बोल देते हैं जल्दी से, खाली हम हाँ मिला देना। शीर्ष उत्तक जिसकी लंबाई में वृद्धि हो, पार्श्व उत्तक जिसकी मोटाई में वृद्धि, अंतर्वेशी उत्तक जो जिसकी घास की लंबाई, मतलब किसी चीज का लंबाई जो जमीन को छूती हो, टच करता हो, और जड़ उसका बहुत देर तक जमीन में रहता हो, घास ऐसा करने वाला बांस, उसी प्रकार याद क्या। अस्थायी उत्तक तीन प्रकार, पहला दो प्रकार के, पहला सरल दूसरा जटिल। तो पहला सरल जो होता है मृदु उत्तक, स्थूल उत्तक, दृढ़ उत्तक, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उसी प्रकार यदि मृदु उत्तक जो होता है ये किसी पेड़ पौधे के बाहरी आवरण छाल का बना होता है, इसमें देख लीजिएगा क्या करते हैं लोग, आम का पौधा हो या किसी का पौधा हो, छिल लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं करता उसको, वो छाल को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। स्थूल कोण जहां पे वृंत होता है पत्तियों का, उसको किससे बना होता है, स्थूल कोण से बना होता है। अब पूरे पेड़ पौधे में मजबूती का जो प्रदान करता है ये कौन करता है, स्थूल कोण। अब देखते हैं नारियल कितना अंदर में सेफ्टी से रहता है, उसके ऊपर में देखते हैं कितना बड़ा खतरनाक रहता है, इसका मतलब याद कीजिए नारियल जो होता है ना ये भैया दृढ़ उत्तक का, नारियल छिलने में 12 डिबिया का तेल जल जाता है, जाता है बहुत मेहनत लगता है जी, छठ पूजा में जो होते हैं छिलिंग किसी और को थमा देते हैं, है ना कि तू छिल पहले, बहुत दिक्कत है उसमें। तो याद रखिए नारियल जो है दृढ़ उत्तक का प्रयोग है, मतलब किसी पेड़ पौधे को अगर आप बचा के रख रहे हैं, पौधे को अगर आप बचा के रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत बढ़िया होता है, ये क्या है दृढ़ उत्तक है। तो हमको लगता है कि 3-3-6 में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए भैया हम बात करते हैं जटिल उत्तक, अब इसमें थोड़ा सा क्या है, एक बार फिर से लिख देते हैं अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक, अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के, ये हो गया भैया सरल, कहानी खत्म हो गया इसका। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जटिल उत्तक के बारे में, ये बहुत आसान, तो कितने प्रकार के, दो प्रकार, पहला का नाम होता है जाइलम, जाइलम, और दूसरा का नाम होता है फ्लोएम। बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, सही बात को। अब भैया देख लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए, बरसात का मौसम आ चुका है, मानसून गिर चुका है, सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, केरल के तट पे आता है, कब आता है, आता कब है, 15 जून, हर तारीख जब भी मानसून आता है तो 15 तारीख को आता है, समझे बात को। मतलब जैसे ग्रीष्म ऋतु हुआ ना, जैसे पहले देखिए पहले ऋतु कितने प्रकार के, मौसम कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, फिर बसंत ऋतु, पता है ना जी, याद कर जब भी होता है 15 तारीख को चेंजिंग करता है, इसे देख लीजिए यही 15 तारीख को हल्का मौसम चेंजिंग हो गया था, है ना। तो मानसून लेट से आया है, आज भैया 27 तारीख हो गया, वर्षा गिर जाना चाहिए था लेकिन गिरा नहीं, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, भैया पूरा प्रदूषण फैला हुआ है। अब धीरे धीरे मालूम गर्मी को ठंडा करेगा, अब धीरे होगा, अब वर्षा स्टार्टिंग हो गया ना, अब हल्का फल्का रोज लगातार होगा, अब गंगा का लेयर बड़ा खतरनाक बढ़ेगा, जैसे कोसी पकड़ा जाएगा, बिहार दह जाएगा ना, होगा बताइए बिहार का सोख किस नदी को कर, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाला कोसी ही है, कहीं भैया हिल जाता है, नहीं हिल जाता है, बहुत दिक्कत। चलिए बिहार में दो एगो नदी है, ये है एगो गंगा एगो कर्मनाशा, पता है ना आप लोगों को, कर्मनाशा में कहा जाता है कि नहाने से कर्मनाश हो जाता है, और गंगा में नहाने से पुण्य हो जाता है, न समझे, एक बार इधर जाना है एक बार इधर जाना है, न समझे, करते रहिएगा सही रहेगा। हाँ चलिए, हाँ बायां तट दायां तट सब याद कर लेना, ठीक है ना, कि कौन नदी का कौन सहायक नदी है बायां तट से, तीन नदी याद कर लेना, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, सिंधु का, बाद में और किसी का नहीं पूछेगा, और खाली खर्चा कब तक सहायक नदी कि पेन गंगा, वेन गंगा किसकी है, पर्णावती किसकी है, पनिहारी किसकी है, जैसे कि अभी हाल ही में बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा था कि सियोग किसकी है, सियोग ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी का है, सियोग हो गया, जैसे कि आप याद करते हो ना, जैसे आप याद ऐसे जाता होगा, ऐसे याद है कि सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास, ये नहीं याद करते होंगे, लेकिन भैया इधर से ना आती है, इधर से आती है सियोग, इधर से आती है नुबरा, इधर से आता है कुर्रम, इधर से आता है गिलगित, सब नदी इधर से आती है ना, ये याद है, इधर ला सभ्य को याद रहता है। आपको हम बता दिए ना कि जो मार्केट में कोई और कर रहा है रास्ता मोड़ लीजिएगा, तेंटा एकदम बुच्ची टाइप, एकदम थोड़ा सा एंगल कोर लीजिएगा ना, एकदम थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा, दोनों प्लेन एक साथ उड़ती है, इन्हें गिर जाती है पटना में एक रांची में, एंगल बन जाता तुरंत, थोड़ा सा एंगल को मोड़ना है एकदम बहुत बढ़िया, इधर रहेगा खाई, इधर रहेगा वो, इधर बेरोजगारी, इधर समझ रहे हैं। चलिए
पहला हम बात करते हैं जाइलम के बारे में, यह जाइलम कुंजी है। याद रखिए सबसे पहले लिखा हुआ जो से जलम, जो से जल। तो किसी भी पेड़ पौधे के हर भागों में भैया जल का परिवहन करने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। बस इतने सा क्वेश्चन है, कोई छटर पटर करने की बात नहीं है। उसी प्रकार याद किया अगला होता है फ्लोएम। किसी भी पेड़ पौधे में भोजन संग्रहण का काम, फल का निर्माण, फूल का निर्माण ये कौन करवाता है? फ्लोएम करता है। तो सब उत्तक का हमारे शरीर बोलते हैं हमारे प्लांट में रहना अति आवश्यक। तो हमको लगता है कि कल वाला जो देखे थे ना आप ग्राफ, ये क्लियर हो गया होगा, समझे बात को? अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी आपको हम क्या समझा, अभी बायोलॉजी में दो चैप्टर ऐसा है, ऐसा ना किसी में आपके साथ वहां भी पढ़ाते हैं बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, कहीं भी करते हैं तो वो वैसा टॉपिक याद करने वाला ही है ना। लेकिन इसमें कुछ कुछ और बातें हैं, कुछ कुछ हार्मोन्स है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं पीडीएफ के माध्यम से, कुछ कुछ अगर रह गया है तो। पहला जो है वो थोड़ा सा अब किताबी नॉलेज और हमारे भाषा में क्या थोड़ा फर्क है, अब थोड़ा सा यहाँ देखेगा कुछ कुछ नया नया टॉपिक होगा जिसको समझा के आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, कल ही आपसे क्वेश्चन पूछे थे, कुछ लोगों ने जवाब भी दिया था। याद किया जब बहुत सारे कोशिका को मिला दीजिएगा तब उत्तक बनता है, लेकिन कंडीशन यही है कि कोशिका समान होना चाहिए। तो समान कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, एक जैसा होना चाहिए। तो याद किया समान आकार के कोशिका के समूह जो आपस में मिलकर एक समान कार्य करते हैं तो उसे भैया उत्तक कहते हैं। याद किया उत्तक कोशिका का वह समूह जो एक उत्तक के सभी प्रकार के कार्य और उत्पत्ति का समान होता है। इसका मतलब यह नहीं कि अगर यहाँ पर कोई अगर कोशिका है इसका कार्य कुछ और हो, इसका कुछ कार्य और हो, कुछ और हो, ये बोल दीजिएगा कि सर जी ये कोशिका है तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। मतलब याद किया सबका समान कार्य होना चाहिए। अगला ठीक है, आपने सही सजेस्ट किया कि क्वेश्चन हो जाएगा तो सही रहेगा। ठीक है, हम ये बात कल से ही आगे की दिक्कत देते हैं, ठीक है ना। कल से ही आपको दिखाया जाता है कल से क्वेश्चन क्या क्या आता है, ठीक है ना। कल से ही ये काम स्टार्ट हो जाएगी। चलिए बात में कि हम ये बचा कर रखे थे कि चलो लास्ट जब करवाएंगे तो लास्ट में करवाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के साथ खेल नहीं होना चाहिए। मेरे पास क्वेश्चन का चैप्टर है लेकिन यार वो प्रीवियस ईयर है, जमा पूंजी है तो प्रीवियस ईयर का, ठीक है ना। बाद में जो किताब जो कर रहे हैं ना वो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उतने सा करके जाइए बाद में कि हम तो कहीं जा भी नहीं रहे, आराम से बोलिएगा। अब यही बोलिएगा सर जी कभी होइए कोई बोलेंगे कौन जी आपको, है ना। तो ऐसा भी नहीं समझे, लेकिन होगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए तो लिखा हुआ है कि पौधा तथा जंतु की कोशिका लगभग समान होते हैं। लगभग बोला है मतलब भैया केंद्रक इसमें भी होगा उसमें भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, राजधानी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं आती है, हमें पढ़ाए ना आप लोगों, है ना। इसका मतलब याद कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, है ना भैया। कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, लेकिन कोशिका भित्ति खाली प्लांट में नहीं होता जी। अब यही सब नहीं याद किए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया चीज है, है ना। और कहीं आपको दिक्कत होगा तो सारा चीज को अपना समस्या को लिख के आइएगा, आराम से आपको करवाया जाएगा। जिसका जिसका लाइट छूट गया है लाइट ऑफ करवा देंगे। लिखा हुआ है पादप उत्तक, लिखा कि पादप के उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है विभोज्य उत्तक, जो बतवा बोले हैं वही बात जो आप याद किए वही बात लिखा हुआ, सीधे ऐसे बोलो। लिखा हुआ विभोज्य उत्तक, यह एक ऐसे उत्तक की बनी होती है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। लिखनोमी से सकल से ही नाम विभोज्य उत्तक ना, समझे। तो याद रखिएगा इसकी क्षमताएं कोशिका में गोल, अंडाकार और बहुभुज तरह का होता है, यह बात को याद रहे। या उत्तक की कोशिका के बीच में खाली जगह नहीं होता, बस नहीं पूछेगा तो क्या करना है, फोन करना है, यही को बढ़िया चीज है, इसलिए पीडीएफ को खोला जाता है, समझे बात को। आपको लगता होगा पढ़ाएं कुछ और, टिक लगा दिए कहीं और, क्या करेंगे, मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या, देखिए आपको बताने के इसमें स्पेस कहा जाता है, मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या विभोज्य उत्तक में क्या जगह बीच में खाली जगह पाए जाते हैं, यह कथन देके पूछेगा। हर हमेशा एग्जाम में कथन देके पूछता है, अब वो जमाना गया कि चार को क्वेश्चन दे देगा, भैया कथन देगा कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। तो बताइए विभोज्य उत्तक में खाली जगह होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य प्रचुर मात्रा में भरी होती है। भैया जब कोशिका पढ़ रहे थे बताइए तो यहाँ पर केंद्रक था, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका वेकुलस था, प्लास्टिड था, नहीं था। अब ये बताइए तो इसमें कोशिका द्रव अगर नहीं भरेंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगा? तो याद किया कोशिका द्रव करना बहुत जरूरी है। जब पढ़ा हुआ चीज अब आता है ना तो देखते हैं कि मुंडी डोलने लगा है, इसका मतलब भैया हल्का फल्का दवाई काम कर रहा है, करेगा बढ़िया काम करेगा ना, समझे, सब बीमारी ठीक हो जाएगा, याद रखिएगा। परंतु इन कोशिकाओं में रिक्तियां जो है ना बहुत छोटी छोटी होती है अथवा नहीं के बराबर ही होती है, जब पहले लिख दिया जगह होती ही नहीं, समझे बात को।
चलिए आगे लिखा है कि स्थिति के आधार पर विभोज्य उत्तक को तीन प्रकार में बांटा गया। बस जो भैया जो बात अभी जल दस में से देख रहे थे ना वही बात है और कोई बात नहीं है। चलिए अगला लिखा हुआ है कि अफ्रीकन मेरिस्मेटिक मतलब शीर्ष विभोज्य उत्तक, अंग्रेजी बहुत खतरनाक है जी, लिखा हुआ यह उत्तक तने के अग्र भाग में रहते हैं, मतलब अगर का ऊपर लगा वाला भाग में, अरे जिसको टूसा ने कहते हैं ना था? अरे टूसियस ने पत्ता आता है, टूसा ने समझते हैं आप लोग, तो आप लोग भी यहीं के हैं तो समझा करिए सब चीज, है ना, अपना जमीनी चीज नहीं छोड़ना है, है ना। चलिए यह उत्तक अग्र भाग में रहते हैं, यह उत्तक विभाजन फलस्वरूप पौधा की लंबाई बढ़ाते हैं, उसी प्रकार लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि है ना, समझे, जिस प्रकार विद्यार्थी का प्राथमिक काम पहला पढ़ना होता है, लेकिन विद्यार्थी लोग सुबह उठेगा पहले रूटीन बनाएगा कल 4 बजे उठना है, पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी, बस एक दिन आज सूत आई अलार्म नहीं बज लो हटाओ ना, समझे, अगला ही दिन गायब हो जाता है। बहुत विद्यार्थी टेबुल पे ना सजा दिया है कि 4 बजे उठना है, पहले 6 बजे तक सर का क्लास करना है, फिर 6 बजे उठना है, फिर नाश्ता पानी करना है, नाश्ता करने वाला दिन 2 घंटा लगा देगा, अंदर क्या बोलेगा कि आज फॉलो नहीं हो पाया, छोड़िए देते हैं आज रेस्ट कर लेते हैं, है ना, तो ऐसा भी नहीं करना है। चलिए इसलिए विद्यार्थी को बिल्कुल रूटीन बनाना ही नहीं चाहिए, सारा काम फोकस लगा दीजिए पढ़ाई के ऊपर, जब हो जाइएगा उसका खूब कोई दिक्कतें नहीं। लंबाई प्राथमिक काम होता है। अगला नाम होता है भैया पार्श्व विभोज्य उत्तक, यह उत्तक तने के पौधों में जड़ों के किनारे होती है, इससे उत्तक से विभाजन के फलस्वरूप पौधा को क्या कर देता है, मोटाई को बढ़ाता, मतलब मोटा लिखता मोटा बढ़ाता, अरे मोटाई छूट गया होगा फोटो लिए मैंने छूट गया होगा, क्या लिखा हुआ ना कि पौधा का मोटाई बढ़ाना जो है ना यह द्वितीय की वृद्धि है ना, समझे, पहले आप लंबे हो जाइए तभी ना मोटाइएगा, आप पहले मोटा जाइएगा ना फिर देखते हैं ना फुटबॉल लगते हैं कुछ ना, बहुत दिक्कत ना, समझे, तो याद रखिएगा होता है ना, जिसको भैया प्रोटीन और विटामिन का कमी हो गया, जिसको कुपोषण का बच्चे में शिकार हो, देखते हैं ना कुपोषण में क्या होता है, पेट सूर्य में फेंक देता है ना, समझे, अब बच्चा का लंबाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना, इसलिए बेहतर यही होगा, देखते ना आता पचास कॉम्प्लेन पिलाओ ना, बोलता है कॉम्प्लेन कुछ ना भैया घर का खाना खिलाइए बच्चा मजबूत होगा। आइए आज ना कंप्लेन आया जी, है ना, पहले कंप्लेन कहाँ है, अब वही कंप्लेन वही क्या बोलते हैं गेहूं का बना है वही सब पीस के दिया है वो छाप दिया फोटो बस हो गए लोग कंपनी। चलिए लिखा हुआ है पार्श्व विभोज्य उत्तक में जानते हैं पार्श्व विभोज्य उत्तक को क्या कहते हैं, कैम्बियन भी कहा जाता है इसका नाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला नाम है अंतर्वेशी विभोज्य उत्तक, देखो तो ये क्या भाषा को इस्तेमाल किया है भैया ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यह शीर्ष उत्तक विभोज उत्तक के ही भाग होते हैं, मतलब पहला लंबाई बढ़ाएगा, लंबाई बढ़ेगा हल्का फल्का मजबूती धीरे धीरे आएगा, जो वृद्धि के कारण अग्र भाग का क्या करता है इसको अग्र भाग से मतलब सटा हुआ रहता है, यह उत्तक प्रायः पत्तियों के आधार पर तनों के पर्व तथा पर्व संधि के पास पाए जाते हैं, मतलब कुल मिलाकर याद किया संधि का मतलब यह हो गया कि जहां जहां जोड़ होगा ना वहां जोड़ पर पाया जाता है, जैसे हो गया कि यह उत्तक सिर को क्या कहते हैं अस्थायी उत्तक में बदल देता है, देखते हैं ना कि जब कोई एग्जाम्पल के लिए अभी पहला पौधा हो गया क्या एक वो टहनी ऐसा हो जाएगा ना एक दो चार महीना के बाद भैया वो कंपल्सरी हो जाएगा अब यहां से निकलना स्टार्टिंग हो जाएगा, तो भैया जो अस्थाई हो जाता है ना भैया अस्थाई उत्तक होने में अंतर्वेशी का अच्छा योगदान होता है, जब घास बड़ा हो जाएगा ना भैया देख लीजिएगा फिर उसकी लंबाई चौड़ाई को, अब भैया बांस बड़ा हो गया और आपको पता है ना कि बांस को काटते रहिए बांस बढ़ते रहता है, पता है ना आपको बिल्कुल सेम टू सेम घास के जैसा हरकत होता है, एक गन्ना देखिए एक बार खेत में लगा दीजिए 3 साल तक होते रहता है ना, समझे, खाली काटते रहिए जब तक तो उसको जड़ से नहीं लगाइएगा गन्ना उसका होते रहेगा, वही बात घास में भी है, देखते ना जी जो घास काटने के लिए जाती है बस हो गया भैया यहाँ पर से काट के चले आएगी, जब तक भैया जड़ नहीं खत्म होगा ना तुरते घास हो जाता है, अरे आपके भी घर में खेत तेज होगा आकल में बारी तारी होगा साफ करते हुए तुरते आ जाता हुआ, आप थोड़े की वो जड़ से निकाल कर साफ करते हैं खाली भैया कोदरा से दर मार दिए हो गया, है ना, तो देख लीजिएगा, अब देख लीजिएगा लिखा हुआ है परमानेंट टिश्यू विभोज्य उत्तक में कोशिका को लगातार विभाजित होकर एक अस्थायी उत्तक का निर्माण करता है, एक अस्थायी उत्तक का निर्माण करता है, पहला का नाम होता है साधारण अस्थायी उत्तक, दूसरा का नाम होता है जटिल, आइए साधारण को देखेंगे बस इसमें और क्या चीजें हैं जल्दी से खत्म करेंगे, साधारण उत्तक कल थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे आप लोग क्योंकि कल ऐसा टॉपिक को ही लाएंगे, है ना, थोड़ा सा क्षमता को बढ़ा के आइएगा तो जब बोलने का हैबिट लेके आइएगा क्योंकि वैसा टॉपिक ही है कुछ नहीं कर सकते, है ना,
मतलब वही मतलब बायोलॉजी जो लास्ट चैप्टर होता है ना वो बहुत बड़ा खतरनाक होता है, जैसे कि जो बांटा जाता है क्या क्या याद करना है ना, और एक घंटा में आप दो तीन चीज ही याद कर सकते हैं। नो गो जो है, नो गो है, नो जगत में बांटा गया है उसको, और नो तो याद करना है। और हमको लगता है कि एक घंटा में तीन ठोकर याद कर ले तो काफी है ना। एक तो हमें 5-5 एग्जाम्पल है, वो 5 एग्जाम्पल याद करना अपने अपने टफ हो जाता है। जो सेंटो में दिया लिखेंगे लिखा होगा ऑर्थोपोडा लिखा होगा एलिजेंटा लिखा होगा सब देखिए लिखा होगा एस्केलेमेंटिस लिखा होगा सब लिखा होगा। वो पदम पदम जगह जब बांटता है ना तो उसको प्लांट में आपका किंगडम को पढ़ेंगे उसमें जाके, है ना। चलिए अभी छोड़ दीजिए ना, कल करना है, घर जाकर देख खाली देख के आइएगा, समझे बात को। चलिए आगे लिखा हुआ है कि यह उत्तक समान प्रकार के कोशिका में पाई जाती है। यह कोशिका से मिलकर समान कार्य होता है। साधारण उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, मृदु उत्तक। इसमें क्या क्या देखो पटाक से, पेरेनकाइमा उत्तक जीवित कोशिका का बना होता है। यह उत्तक के कोशिकाओं पर गोलाकार अंडाकार बहुभुजीय बहुत प्रकार के होते हैं। यह उत्तक कोशिका के बीच खाली स्थान में पाए जाते हैं। मतलब जो कुल मिला गर्भ, ये जो आकार दिख रहा है ये वाला आकार दिख रहा है इसके खाली स्थान में पाया जाता है। तो याद रखिए इसमें पाए जाते हैं। यह उत्तक पौधा प्रायः कोमल भागों में भी पाए जाते हैं। यह उत्तक में जाइलम और फ्लोएम का निर्माण भी होते रहता है। अब भैया इसका मतलब ये हो गया कि छाल का निर्माण हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये पौधा में अब नीचे जो जड़ होगा वो कोई नहीं पहुंचाएगा, यही छाल होते हुए पहुंचाएगा। जब छाल होते पहुंचाएगा तो इसी का स्थायी उत्तक का नाम था जाइलम और फ्लोएम, यही दोनों पहुंचाने का काम करता है, समझे बात को। चलिए लिखा हुआ कि यह उत्तक प्रधान कार्य में एक भोज्य पदार्थ में जमा करने करता है। कुछ पेरेनकाइमा उत्तक क्लोरोप्लास्ट में भी भाग पाए जाते हैं। ये बहुत बढ़िया लाइन है, एकदम सॉलिड यहां लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा लाइन है। लिखा हुआ कि कुछ पेरेनकाइमा उत्तक में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ गाछ पौधे के बाहरी जो आवरण होते हैं ना वो हरा रंग का दिखता है, ऐसा है क्या? वाकई में है, बहुत सारा पौधा ऐसा होता है ना जो कहते हैं क्या क्या, जो बाहरी भाग उसका हरा रंग का दिखता होगा, मतलब ठाल सर न दिखता है सर, अरे होता है न, समझे। तो याद है क्या, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग को प्रदान कर रहा है। उसी प्रकार जिसके कारण से यह पौधा उत्तम है, पौधा उत्तम प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। और जहां जहां भरका भाई अपने गाछ में हरा रंग का हो रहा है, मतलब यह प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, जिसे कि प्रण कैमा उत्तक में इसको क्लोरोप्लास्ट रहता है, अतः इसे हरित उत्तक भी कहते हैं। वहां याद आया प्लास्टिड में, प्लास्टिड को हम 3 भाग में पढ़ाए थे, हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक ना पढ़े थे। एक वो चीज क्या कर रहा था, खाली फल का निर्माण कर रहा था, एक वो जमा कर रहा था, एक वो फल को रंग दे रहा था। इसलिए टमाटर का लाल रंग था, गाजर का काला रंग था, आलू में हरा रंग था, ना पढ़े थे सब बातें। इसका मतलब याद किया, यही सब तो देखे थे। अब भुला जाइएगा तो फिर दिक्कतें नहीं है ना, उसके बाद तो भैया कुछ नहीं, भुलाने के बाद कोई उपाय नहीं। आगे लिखा हुआ है कि जल पौधे में पेरेनकाइमा उत्तक जो है ना वायु उत्तक में बदल देता है। मतलब याद रखिए, वायु उत्तक जो है ना वो जल प्रकार के तैरने में मदद करता है। इसका मतलब जानते क्या, अब वैसा पौधा जो जल में होता है, बहुत सारा पौधा होता है, कोई बता सकते हैं कि जल में पौधे में होने वाले को क्या कहते हैं? बहुत बड़े हाइड्रोफाइट कहते हैं, ना कहते हैं। अब देखिए भैया, हर चीज उसका जानते क्या कि भैया जल में है सब चीज। इसका मतलब इसका पेरेनकाइमा हो, स्क्रेनकाइमा हो, ये जानते स्क्रेन क्या होते हैं, और कौन था लास्ट में, पोलन कैमा। भैया तीनों पानी में होगा, इसका मतलब याद रखे जो भी संपर्क पानी में वायु में होगा ना, मतलब देख लीजिएगा भैया हर काम वो क्या करेगा, वायु संपर्क करके करेगा, भैया ऊपर वो नहीं आएगा। अगला नाम है पोलन कैमा स्थूल कौन। यह उत्तक जीवित प्रकार के कोशिका का बना होता है, लेकिन कोशिकाओं के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है, इसको रहने देते हैं। इस उत्तक में कोशिकाएं लंबी गोलाकार और नियमित ढंग के कोनों पर मोटी मोटी होती है। ये भैया बहुत तड़ाती है। यह सेलुलोज की अधिकता के कारण से इसमें कोशिका भित्ति, यही तो है, कोई विद्यार्थी बता दो फटाक से कि हम लोग के कोशिका में और जंतु के कोशिका में, हम लोग के कोशिका में और पादप कोशिका में किस बात का अंतर? पहला पहला हम लोग कोशिका भित्ति नहीं होता हम लोग में, लेकिन झिल्ली दोनों में होता है ना, जिसमें कोशिका भित्ति होता है ना, तो क्या होता वो सेलुलोज का बना होता है। कब तक क्वेश्चन आया? हाँ, एग्जाम्पल के लिए आप जो देखे थे कि रक्षा प्रदान करे या पूरा सपोर्टिंग एरिया करे, ऊपर लकाईसन कर रहा था जी, वही बात है। इसका मतलब ठीक है, याद क्या, इस उत्तक में कोशिका गोल और नियमित ढंग का होता है। यह सेलुलोज के दिखता के कारण से कोशिका भित्ति का काम करता है, मतलब सेलुलोज इसलिए कोशिका भित्ति बन रहा है। इसलिए पूरा क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आगे लिखा हुआ कि इस उत्तक में केवल कमजोर पौधे में ही पाए जाते हैं तथा पौधों में प्रत्यास्थता प्रदान करते हैं। प्रत्यास्थता मतलब लचीलापन भी, बात को लचीलापन ये भी करेगा,
तो याद किया पौधों के, पौधों में इस उत्तक का क्या होता है, कभी कभी अभाव होता है। जो वृक्ष, जो बड़ा का वृक्ष होता है ना, देखते हैं जब बड़का वाला गाछ में आ गया हवा का झोंका तो गिर जाता है गछवा, है कत्ता गाछ गिर गया। लेकिन भैया जो नया नया गाछ है, ये नया गाछ अम्ल का लगेबे किया है, पतला थनी है, वो नहीं गिरेगा, लचीलापन सब कुछ ज्यादा होता है। अब वृक्षों में बहुत है, हाँ वही तो देखे ना, नारियल के पौधा में मतलब वाकई में जो हल्का फल्का प्रदान करे, मतलब लचीलापन करे, जो लच रहा है, मतलब भैया वो अभी हरा हरा है। आम सब का पुराना हो जाता है, पूरा पुराना। आंधी तूफान आता है, जैसे आंधी तूफान कुछ दिन पहले आया था, क्या नाम था आंधी का, दीपर ज्वाय, ये सबको याद कर लेना, है ना, जो ना आंधी तूफान आ रहा सब याद कर लो। आदमी आंधी तूफान बचता लोग याद कर रहे हैं, क्या जमाना है ना, समझे, बताइए। लिखा होगा कि कभी कभी इस उत्तक में हरित लवक भी पाए जाते हैं, जिसमें कि कुछ मात्रा में यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन भी तैयार कर लेता है। इस बात को समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। नंबर डिड उत्तक, यह उत्तक मृत कोशिका के बने होते हैं, मृत कोशिका के बने होते हैं, और इस उत्तक में, इस उत्तक में, इस उत्तक में की कोशिका लंबी और सिकरी और मोटी कोशिका का होता है। यह उत्तक प्राय कोशिका के बीच में खाली जगह बिल्कुल भी नहीं होने देता, मतलब प्राय इसमें उत्तक जगह खाली जगह होता ही नहीं है। कोशिकाओं के ऐसे लिग्न नामक रसायन भाग में पाया जाता है, इस रसायन का कोशिका में काफी मजबूती प्रदान करता है। कुछ नहीं भैया, जो हम बात खाली बोले हैं, खाली थेटी वाला याद रखना, जैसे परीक्षा में आएगा तब देख लेना। दृढ़ उत्तक मजबूती प्रदान करेगा, मतलब काफी मजबूती प्रदान करेगा, बस कहानी खत्म हो गया। लेकिन फिर भी आपको परीक्षा में ऐसे ऐसे वर्ड के लिए, कथन के लिए सही करने के लिए कुछ ना कुछ तो भैया करना होगा। आगे लिखा हुआ है कि यह उत्तक के बीच में फलों और फलों के ऊपर मजबूत बनाते हैं, और पौधों को प्रांत में जड़, जो तना होता है, जो पटवा होता है, जो दृढ़ उत्तक होता है, जो ऊपर लगा हिस्सा होता है, सबको मजबूती प्रदान कर रहा है। यह उत्तक पौधों में यांत्रिक सहायता को पहुंचाते हैं और पौधों में एक आंतरिक भाग को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। दृढ़ उत्तक का काम ही होता है कि पूरा बॉडी को क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। आगे देखिए लिखा हुआ है जटिल उत्तक, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोयम। और देख लीजिएगा आजकल पगला गया है परीक्षा वाला, और हिंदियों पूछने लगा है आजकल, तो जाइलम का हिंदी दारू होता है, जिस प्रकार लिंगामेंट और हाँ आपको बताया कि उरु नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है, यह क्वेश्चन पूछा, और उरु मतलब फीमर होता है, फीमर भैया सभ्य को मार के आया होगा, और उरु पूछ लिया तो विकेट गिर गया सबका, कि कहाँ ये बताइए ना, क्या दूसरे छो हड्डी में कहाँ है मास्टर, नहीं समझे, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए याद देखिए आपको क्या करना होगा, पूरा करना होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि जाइलम उत्तक चार प्रकार के कोशिकाओं का बना होता है। जाइलम उत्तक पूरे पौधों में पाया जाता है, जिनका सर्वप्रथम प्रमुख काम क्या होता है, जल का संवहन करना होता है। इसके अलावे जाइलम के पौधों में यांत्रिक सहायता, मतलब भैया अंदरूनी भी सहायता देता है, यह जाइलम करता है। जाइलम जिस चार प्रकार की कोशिका के बने होते हैं, वो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वाहिनिका है, वही कहा है, मतलब वेश्यंस, मतलब बहरा, जाइलम तंतु और जाइलम मृदु उत्तक, भैया कभी कुछ देखने की बात नहीं है। चलिए कुछ लोग नींद आ रहा है, सुतिए मत, सुतिए फिर दिक्कत हो जाएगा, सुतने से रिजल्ट नहीं बनता, नहीं तो हम भी सुत सकते थे। हाँ जाइलम दारू देखिए है, ऐसे मत सुतिए, है ना, और आप लोगों को ज्यादा नींद आता है, हैं ऐसे होगा, आवरी नाम के आगे लगाना है मास्टरनी जी, समझे बात को, ऐसे नहीं होगा, है ना। यहाँ तक कि हम लोग के अनुच्छेद नंबर 18 में लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी उपाधि का मतलब आगे नाम नहीं लगा सकता, कुछ मतलब टाइटल नहीं लगा सकता, लेकिन विद्यार्थी और सेना लगा सकता है, है ना, दो आदमी लगा सकता है, ये अपवाद में है ना, इसे लगाता है इंजीनियर, नहीं लगाता है ईआर लगा देता है, डॉक्टर लगा देता है, ये विद्यार्थी काम कर सकता है, और सेना वाले जमे करते हैं कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, इसे लगता है। आइए दोनों छुड़ाकर अपने नाम के आगे कुछ नहीं लिखाएगा, जो भी लिखना है नाम के बाद लिखाना, तो खाली धार्मिक चीज है श्री या श्रीमती लगाना, समझे बात को, इसलिए आवरी लगाना है पूरा, है ना। चलिए सुतिए नहीं, जगिए पहले, उठिए और जगिए, सवेरा हो गया बस उसी दिन स्टार्ट हो गया, है ना, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, उठो और जागो, लक्ष्य की प्राप्ति करो, क्योंकि रुक जाने का मतलब ये होता है जिंदगी का मौत, भले आप चल रहे हैं लेकिन आप बिल्कुल आप पड़े हुए हैं पुतला की तरह, कोई वैल्यू नहीं लाइफ का, है ना, आज जब तक है लगा दीजिए थोड़ा सा, है ना। चलिए तो थोड़ा सा करिए, प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस होगा। आपने नाम सुना है उसका क्या, लियोनार्डो दा विंची का सुने हैं, नहीं सुने आप लोग, चित्रकार था और विश्व हिस्ट्री में मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको पढ़ाया जाता है। लियोनार्डो दा विंची है ना, ट्रेन पर से जा रहे थे, समझे बात को, उसको मतलब मुंह झांक के जा रहा था ऐसे करके पूरा ढक के,
और कोई महिला उसको मिल गई ट्रेन में ही, है ना। पता है वो महिला में क्या था नहीं था, लेकिन महिला उसको पहचान ली। कुछ नीचे गिराने के लिए गिर गया था, उसको उठाई से नीचे से बोलता कि सर आप तो लियांडोज हैं। बोला कि आप पहचान कैसे लिए, अगर पहचान लिए तो हल्ला नहीं करना क्योंकि ट्रेन है ना, सब लोग जान जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो बोला सर बिल्कुल एक सर पे नहीं बताएंगे, हल्ला नहीं करेंगे। बोला क्या बात, वैसे वो कमरे फिगर बना दीजिए, है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा चित्रकार था, है ना। पाब्लो पिकासो चित्रकारी उसी का, मोना लिसा उसी का है, है ना। याद है क्या उन्होंने कहा कि ठीक है लाओ बना देते हैं, पेपर लिया बना दिया। तो बोला सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए। बोला कुछ नहीं, बोला ये फिगर तुम्हारे जिंदगी को बदल देगी, है ना। बोला इसमें क्या है बना दिए आप, हम जानते हैं कि आप बहुत बड़े चित्रकार हैं लेकिन मेरी जिंदगी बदल जाएगी ये बात कैसे कह सकते हैं आप। मैंने कहा ये फिगर लेके किसी भी दुकान में चल जाना, कहीं भी अगर 1 करोड़ से कम दे दिया तो बोलना, नहीं समझे। वो फिगर लेके महिला हर दुकान में गई पेंटर वाला के पास, और 1 करोड़ रुपया से कहीं कम नहीं दे रहा था। 1 करोड़ में दे दीजिए, 2 करोड़ में दे दीजिए, 3 करोड़ में दे दीजिए, ऐसे भी बोल रहा था, है ना। अब मिस्टेक से दोबारा मुलाकात हो गया वही महिला का उसी स्टेशन पे, क्योंकि वो भी किसी काम से गया था, ये भी किसी काम से गया था, दोबारा मिल गया। तब उस महिला ने इसको ये बोलते हैं कि सर ये जो आप बनाए ना तो हमको भी सिखा दीजिए, ना समझे। तो वो जानते क्या बोले सर, कि जो तुम बोल रही है ना कि बनाने में 7 सेकंड में बना देना, इस 7 सेकंड के पीछे मेरा 70 साल का मेहनत है, है ना। कोई चीज तुरते नहीं हो जाता है, है ना, इसलिए प्रैक्टिस करो लगातार, तुम भी करो। आज हम जो 7 सेकंड में कोई बातें लिख देते हैं इसके पीछे मेरा बहुत प्रैक्टिस है, इसलिए क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तुरते बना दीजिएगा, यह प्रैक्टिस से होगा, ना समझे। तो ऐसे भी नहीं होगा, क्वेश्चन बोले अब मुंह से जवाब निकल जाए तो भैया मतलब फुल प्रैक्टिस है, चल रहा है घर में पूरा, ना समझे, ऐसे भी ना। तो घर में लगे रहिएगा तो सही होगा, तो बहुत जरूरी है ऐसा करना, नहीं करिएगा तो भैया दिक्कत है, आप नहीं रटिएगा तो कोई और रट रहा है, है ना। 80,000 वैकेंसी आप लोग का, 25 लाख से थोड़े कम गिरेगा, ना समझे, 25 लाख से कम नहीं गिरेगा, समझे बात को, है ना। सरकार 80 लाख को दे या नहीं दे तो उसका कमाई तो भैया हो गया। सर सुने कि 1000 के 1200 फॉर्म लगता है भरने में, कैसा लगता है 750, ठीक है 750 तो खराब थोड़ी बात, 750 आप लोग का 200 कैसन करते हैं जी आप लोग, 200 का आप लोग को फॉर्म भरने लगता है, महिला 200 और आप हम लोग को 500-700। आइए, लिखा हुआ है कि वाहिनियों में जो मुख्य काम जो होता है वो जल को घुलित खनिज पदार्थों में जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। तो भैया जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का जो काम करता है वो जाइलम दारू करवाता है। लिखा हुआ है कि कोशिकाओं में जो जाइलम जो तंतु पौधे में यांत्रिक सहायता देता है तथा जाइलम मृदु ऊतक का भोजन को संग्रहण करने का भी काम करता है, जमा करता है। तो भैया जमा नहीं होगा तथा पेड़ पौधा का निर्माण का फूल पौधा का होगा नहीं। आगे लिखा हुआ है जाइलम ऊतक में जाइलम मृदु ऊतक कोशिका भी जीवित रहता है। भैया अगर मरिए जाएगा तो ये पहुंचाएगा कौन, अगर हम लोग का अगर नशे नहीं रहेगा तो बताइए ब्लड को, ये मस्ती को ब्लड कौन पहुंचाएगा। ये सिराएं होते हैं, ये वाहिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं। तो कहने वही बात है, सबका जीवित रहना जरूरी है, बाकी सभी कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। बाहर का देखते हैं गाछ को ऊपर लगा छील लेते हैं, गाछ को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है क्या। एक होता है कि आप नीम का छाल छील लिए गाछ मर गया, ऐसा है कहाँ, ऐसा होता है। इसका मतलब बहुत सारी कोशिकाएं बाकी जो होता है ना वो मरा हुआ कोशिका होता है, लेकिन हल्का वाला पार्ट काट लीजिएगा तो गाछ को क्षति हो सकता है, समझे मत गो। आगे लिखिए, फ्लोएम लिखा हुआ है कोश वाहक, इसका मतलब इसका हिंदी होता है। जाइलम की तरफ फ्लोएम में भी 4 कोशिकाएं होती है, बिल्कुल ये सब मत पढ़ो, आगे पढ़ो जो काम है इसका। फ्लोएम में फ्लोएम तंतु केवल मृत कोशिका होती है, बाकी सब को भी कहते हैं जीवित कोशिका। भैया गजब, वो एकदम बिल्कुल उल्टा, उसमें वहां कुछ और था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ फ्लोएम तंतु जो है ना यह क्या है, मृत है। अब बात मानते सब कुछ ही है, क्यों, क्योंकि याद है क्या, जाइलम पानी को पहुंचाया, फल को संग्रहण कर रहा है। भैया फ्लोएम का काम यह होता है कि फलों को क्या करना, आगे बढ़ाना, मतलब भोजन को आगे बढ़ाना, मतलब हो गया, क्या जरूरी है, वो आधा काम करिए चुका है, आधा काम करेगा बाकी सब मरा रहेगा, क्या कुदरत इसको बनाया है, बहुत बढ़िया से बनाया है। फ्लोएम ऊतक जाइलम के साथ साथ पौधे में संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं, इसका मुख्य कार्य पत्तियों के द्वारा भोजन और पदार्थों में सही भागों में पहुंचाता है, पहुंचाना होता है। जैसे कि देख लीजिए कौन कौन सा होता है, मैं सॉरी भोजन ऊतक कहाँ कहाँ पहुंचाता है, ये काम करता कौन है, फ्लोएम। तो ये जो भी आप पढ़ रहे थे ना, ये पढ़ रहे थे आप पादप ऊतक के जगत के बारे में,
जो पहले पढ़ा है, अब यहाँ थ्योरी भी हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो गया। अब देख लीजिएगा, जिसे कल हम लोग बताए थे जो आपको, कि इतना कुछ कुछ अभी उत्तक बच गया है, थोड़ा सा है इसमें, कुछ पढ़ाने की थोड़ी थोड़ी बात है, तुरंत खत्म हो जाएगा, बस इतना सा ही, इसके बाद नहीं होगा, खत्म कर दें। चलिए हम भी आज क्लास बंद कर दिए हैं, आज पर्व भी है ना, खाली अखनिए बंद किए, बोरेस पढ़ाइए ना। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है जंतु उत्तक, लिखा हुआ है कि जंतु उत्तक, भैया एनिमल के बारे में बात कर रहा है, कल ही बता दिए थे आपको कि पहला उपकला संयोजी पेशी तंत्रिका, कुछ याद है लास्ट में ये पढ़ाने गए थे, आइए तो सर देखते हैं इसको भी याद रखिएगा। जंतु उत्तक जो चार प्रकार के होते हैं, उपकला हो गया, संयोजी हो गया, पेशी हो गया, तंत्रिका उत्तक हो गया, ये बात को देखोगे। आगे लिखा हुआ है कि उपकला, उपकला उत्तक जो होता है वो क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। एपिथिलियम लिखा हुआ, अरे 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 लिखा हुआ है उपकला उत्तक, और उपकला उत्तक पर थोड़ा सा ध्यान दें और देखने का प्रयास करें थोड़ा सा। लिखा हुआ है कि एपिथिलियम उत्तक के अंगों के बाहरी भाग में और आंतरिक भाग का निर्माण होता है, इस उत्तक के सभी कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं होता, छोड़ दीजिए बस यह कहना था वही कर दिए पहले। पहला उत्तक कितने प्रकार के हैं, तो चार प्रकार के, पहला का नाम एपिथिलियम, तो सभी उत्तक के बाहरी भागों को और आंतरिक भागों को जो निर्माण करता है यह काम कौन करता है, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एपिथिलियम उत्तक का मूल काम, मुख्य काम यही होता है कि अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। याद कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आप लोग नोटिस किए कि नहीं किए, जंतु लिखा हुआ, इसका मतलब हम लोगों के बारे में बात कर रहा है, समझे आपको। चलिए ठीक है, कुछ कुछ इसमें ऐसे महिलाएं बैठे हुई है जिसका बेसिक बहुत बढ़िया है, हो सके उसका कुछ ग्रेजुएशन में कुछ और सब्जेक्ट हो, इसी सब्जेक्ट से किसी ताल्लुक से, बढ़िया है आप लोग का। एक्टिविटी भी किसी किसी का देखते हैं बहुत तगड़ा है ना, बहुत जल्दी कैप्च कर लेते हैं कोई कोई। याद रखिएगा एपिथिलियम उत्तक जो है मुख्य प्रकार के कार्यों का मुख्य सुरक्षा प्रदान करता है। और याद रखिएगा ये उत्तक, ये उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों के पदार्थ का विसरण, मिश्रण का मतलब फैलाव करना, आप जो खाते पीते हैं हर जगह क्या करता है, फैला देता है, वो काम ये काम एपिथिलियम उत्तक कर रहा है, असमान छोड़ने का काम कर रहा है, अवशोषण लेने का काम कर रहा है, ये सब सेवा में कौन काम करता है, एपिथिलियम। समझे बात को, मात्र 10 सेकंड का समय है, सिर्फ उपकला को देखना है। ये एपिथिलियम उत्तक चार प्रकार के होते हैं, अब ध्यान दिए थोड़ा सा, चार प्रकार में, पहला का नाम होता है सल्की एपिथिलियम, लिखा हुआ है कि यह उत्तक की आकृति फर्श दीवार पर लगी चपटी हुई ईंट की तरह होती है, बिल्कुल चपटी एकदम बिल्कुल इस तरह, समझे बात को। और हम लोग का कोशिका इसी प्रकार का होता है, आप देख लीजिएगा जो ये हमारे हम लोग के घर में जो बूढ़ी माता रहती है, दादी रहती है, नानी रहती है, उसका चमड़ी देख लीजिएगा एकदम हल्का फल्का एकदम चकुट्टा टाइप का हो जाता है, समझे बात को, तो वही बात यहाँ पर है। तो उसी प्रकार याद किया, यह उत्तक आकृति में फर्श पर दीवार पर लगी चपटी ईंट की तरह होती है, त्वचा के बाहरी परत के निर्माण में इसी उत्तक का काम होता है, इसके अलावा इस उत्तक में रक्त वाहिनी तथा अंगों के भीतरी स्तर का भी निर्माण करता है, जहां से ब्लड बह रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। आगे देखिए, यह सल्की उत्तक में बस खाली कटो याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा जो दीवारें दिखी होती है वो चपटी तरह से दिखी होती है, बस इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, आपको यही पहले बताना कि एपिथिलियम उत्तक है क्या, वो चार प्रकार का, पहला का नाम है सल्की, तो सल्की में यह बोलेगा सर जी ये चपटी ईंटे की तरह होती है और ये हमारे बाहरी परत को निर्माण करने में काम करती है। सबसे पहले हम इस लाइन से पूछेंगे और इस लाइन से 3 फुट से पूछेंगे, ठीक है। अमाशय में खाना कितना घंटा रहता है, पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं, जब खाना जब 4 घंटा रह के पच जाता है उसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट। बहुत भोले हैं जी। इसको काइम कहते हैं। चलिए नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला जो होता है वो स्तंभाकार होता है, स्तंभाकार एपिथिलियम उत्तक, लिखा हुआ कि इस उत्तक की कोशिकाएं लंबे होते हैं, भैया नौवे है स्तंभ, पीलर घर का पीलर कैसा होता है, लंबे होता है जी, लंबे होते हैं तथा कोशिकाओं में मुक्त सिरे पर मैक्रोविलाई पाए जाते हैं, मैक्रोविलाई मतलब ऐसी ऐसी संरचना हल्का फल्का, अगर ये है ना
अगर ये दीवाल है ना ये अस्तम इसका, इसमें ऐसा ऐसा पाया जाता है, समझे बात गुरु, ऐसा ऐसा होता है। तो याद किया मैक्रोविलाई जो पाया जाता है ना, ये अस्तम अकाल में पाए जाते हैं। यह उत्तक ऐसे अंगों को आंतरिक भाग पर निर्माण करता है जहां अवशोषण का अस्तमन का काम करता है, जैसे कि आंत क्या करता है, सबका अवशोषण नहीं करता है, करता है ना जी, बोल वो है मीनार मार रहे हैं, सुधरे होंगे कोई पक्का इसमें, चलिए ध्यान दीजिए, ऐसे चलने दीजिए जी, ध्यान दीजिएगा। यह है आंत, आंत क्या करता है, अवशोषण करता है, जितना भी खाना अमाशय से नीचे आ गया ना, ऐसे नीचे आ गया तो देखिएगा ये अमाशय का कितना हिस्सा होता है, तीन हिस्सा, पहला कार्डियक, फंडिक और पेल्विक, ये पढ़े थे ना, यही होता है जठर ग्रंथि, जहां से निकलता जठर रस, यहां से निकलता रेनिन और पेप्सिन, नहीं निकला था यार, यहां से छोटी आंत, और छोटी आंत में खाना गया, पूर्ण पाचन हो गया, तो खाना का पूछा, खाना का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है, मुख गुहा से, कहां से होता है, मुख गुहा से, यह बात को याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं ठीक है ना जी, तो उसी प्रकार याद रखिए, जितना भी रहता है ना इसमें, अब जो लिखा है सब अवशोषण कर लेगा, अब यहीं से स्टार्टिंग होता है बड़ी आंत, समझे बात को, अब बड़ी आंत में जितना भी खाना जाता है ना, सबको पानी का अवशोषण कर लेता है, इसलिए जब भी मलमूत्र बाहर होता है, जब पानी का मात्रा नहीं रहता है, याद रखिए जब खाना यहाँ पर पचमें नहीं किया ना, तो छोटी आंत भी छोड़ देता है, बड़ी आंत भी छोड़ देता है, ना समझे, तो याद रखिए पानी भी जैसे पीते हैं वैसे निकल जाता है मलमूत्र के माध्यम से, समझे बात को भैया, हो गया पूरा, ना समझे, अब प्रचार भी आता है पेट सफा रोग दफा, नहीं आता है, चलिए ध्यान दीजिए, अब देख लीजिएगा, आंत हो गया, अमाशय हो गया, पित्ताशय हो गया, आपको पता है ना कि खाना जैसे छोटी उसमें आता है अमाशय में, तो पहले एससीएल मिल जाता है, मिलता है ना, मतलब खाना को अम्लता बना देता है, और छोटकी आंत में होता है वो डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ना होता है, डेडुनम सीधे जोर से चिल्लाता है, देखो मेरे यहाँ वही खाना आएगा जो क्षारीय होगा, मेरे यहाँ अम्ल खाना नहीं आएगा, इसका मतलब जठर ग्रंथि से निकलने वाला जठर रस कुछ काम करने वाला है, अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा ना, हम लोग का लीवर जिंदाबाद है, तुरते वहां से पित्तरस छोड़ देगा, गॉल ब्लैडर से ना छोड़ेगा, और याद किया वहां से अगर नहीं छोड़ेगा तो अग्नाशय से, कुछ तो ऐसे टुकुर टुकुर ताक रहे, गुस्सा भी पड़ रहा है हमको, ना समझ लगा कि कैसे कहिया पढ़ाया ऐसा बात है, ऐसे ही आप कहा हमको लगा ये थरथरा कह रहा है, देखिए देखिए यहाँ पे ना होता जी, यहाँ पे ऐसे करके छोटी यहाँ पे अमाशय हुआ, ऐसे करके यहाँ छोटी यहाँ स्टार्टिंग हुआ, यहीं पे ना अग्नाशय होता है, आपको नहीं बताए थे एल ए टी लाइपेज माले स्ट्रिप्सिन, हाँ मुंडी हिलाइए आप लोग ठीक है, चलिए भुला जाइए, चलिए याद रखिएगा, जैसे कि आंत अमाशय और पित्ताशय क्या करता है, इसको काम करता है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला लिखा हुआ है घनावाकार, फिर कुछ हो गया, लिखा हुआ है घनावाकार, जिसका आकार कैसा होगा, यह घनावाकार का बारे में बात कर रहा है, मतलब कुल मिला के ऐसी आकार की होगी, यही ना होगा जी, तो मतलब याद रखिए इस उत्तक की कोशिकाएं का आकार घन घन आकार का समान होता है, आपको नहीं लगता है कि आप परीक्षा में सब आ जाएगा तोड़ देंगे पकड़ के, घन मतलब पूछेगा तो घनावाकार है ना समझे, दीवार पे चिपटी आता है सल्की आकार, अस्तम होगा तो स्तंभ का, बताइए सब फुद्दू सब बात ना है, चलिए लिखा हुआ है कि यह उत्तक के द्वारा शरीर के ग्रंथियों का ग्लैंड का निर्माण करता है, ना समझे, इसलिए हम लोग का पैरा थर्ड ग्रंथि के गलम जो थर्ड होता है ना, ये भैया हम लोग का गला ऐसे नहीं होता जी, अरे ऐसे नहीं होता है, तो याद रखिएगा, अगला देख लीजिएगा, यही सब बातें याद कर लेते हैं, अब कुछ ना करवाएंगे, पहले इसको देखेंगे तब कुछ करवाएंगे, जल्दी से और 10 मिनट लगेगा खत्म हो जाएगा। कुछ ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों में कौन कौन सा ग्रंथि ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है प्रमुख ग्रंथि, पहला है नाम है सफेद ग्रंथि, यह ये जल्दी क्या करो, ग्रंथि का निर्माण नहीं करता, लिखा हुआ कि पहला है सफेद ग्रंथि, यह ग्रंथि के द्वारा स्तनधारी त्वचा के ऊपरी परत में पाए जाते हैं, इनके द्वारा पसीने का स्राव होता है, तो याद रखिए जो कुल मिला के स्तनधारी का जो त्वचा होता है, कुल मिला के उसके ऊपरी परत के जो त्वचा होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो सफेद ग्रंथि का होता है, जो पसीना निकलते रहता है। अगला लिखा हुआ लैक्रिमल, ये तो हल्का फल्का पढ़ा है, जब ग्रंथि पढ़ा रहे थे, यह ग्रंथि आंख में पाई जाती है, जिसके कारण से आंसू का स्राव होता है, आंख में आंसू का आना लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा होता है। आंसू में लाइसोजाइम नाम के
विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसके प्रभाव से आंख में आए हुए हानिकारक को सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। मतलब रोना भी एक अच्छा कला है ना, समझे? अगर रोते रहिएगा तो जीवाणु मिशाणु मरते रहेगा, इसलिए जैसे आंस निकले घंटा रोना भी है ना, समझे? चलिए बढ़िया चीज है। चलिए आगे लिखा हुआ है सेरुमिनस ग्रंथि, लिखा हुआ है कि यह संधारी के वर्ग में जीव के कानों में पाया जाता है। यह ग्रंथि में मोम जिसको एज ए ठेठी गुज्जू के समान पदार्थ साबित पाया जाता है। अरे गुज्जू नहीं बोलते, अच्छा मोम क्या बोलते हैं बताइए तो, नहीं है ना कभी? तो याद रखिएगा असंधारी वर्ग के जीवों में कान में जो पाए जाते हैं ना, देखें वो जो होता है पशु सब, भैंस हो गया, गाय हो गया, जब सो जाता है बस कौवा आते हैं खाते रहते हैं, वो उसके लिए पौष्टिक चीज हो गया तो वो खाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा ना कि आप भी सो जाइएगा कौवा आएगा इसे अपने हिसाब से। ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है यह स्तनधारी वर्गों में जीवों में कान में पाया जाता है, यह मोम पाया जाता है। तो कान में मोम कहना किस ग्रंथि के द्वारा? सेरुमिनस। कौन सा होता है? कौन सा होता है? बस भैया लास्ट है, खत्म हो रहा कहानी। अब है सीबम ग्रंथि, लिखा हुआ है यह ग्रंथि त्वचा के डर्मिस। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? खाली डर्मिस। क्या बोलना है? क्या लिखा हुआ? त्वचा के ऊपरी परत को हम लोग बोलते हैं डर्मिस। क्या कहते हैं? मतलब ये सॉरी भीतरी परत को कहते हैं डर्मिस। यह पाई जाती है, यह ग्रंथि में प्रकार के थैलिए पदार्थ स्त्रावित होते हैं जिसे सीबम कहते हैं। सीबम का मतलब ये हो गया पसीना छोड़ने का काम करेगा, मतलब यह त्वचा के बालों को चिकना और ज्वलरोधी बनाता है। देखो जब पसीना छोड़ता कहीं ना कहीं वो चिकना होने का संकेत देता है, यह काम सीबम के द्वारा होता है। ये देखो याद रखिये सीबम ग्रंथि क्या कर रहा है? त्वचा पर, त्वचा के जो भीतरी परत है ना इसमें तैल पदार्थ को छुड़वा रहा है। जब सोते हैं ना देखते हैं, जब सुबह सुबह जगते होंगे आप लोग, जब देखते हैं सब कोई देखिए हल्का फल्का तैली प्रकार का बॉडी पे निकला हुआ, तो फ्रेश नहीं हो जाते फिर दिक्कत हो जाता है। वही बात को ये है जो अंदर से जो तैल पदार्थ छूट रहा है तो ये बात शिवम ग्रंथि से होता है। अब लिखा हुआ है चार गो जो वो था ना क्या बोलते हैं उत्तक, पहला नाम था एपिथिलियम उत्तक और दूसरा नाम है पक्षपाती मतलब उत्कला, समझे? मतलब कि एपिथिलियम इसको भी आता है, क्या बोलते हैं पक्षपाती मतलब ये वसा वाला में आता है, कितना है और जो है ढेरी है जी, रहने दीजिए कल करेंगे।